तो देखो यार, इसमें क्या गिवन है, एक एल सी एंड आर रिप्रेजेंट इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस रेस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट डायमेंशंस ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो क्लियरली इसमें बोला है कि इनमें गिवन ऑप्शंस में से कौन सा फ्रिक्वेंसी की डायमेंशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इट मीन्स वॉट, इनडायरेक्टली यू हैव टू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ फ्रिक्वेंसी उसके रिस्पेक्ट में। हम यहाँ मैच करा लेंगे, तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन। सो ओके, नाउ जो टर्म्स यहाँ पे दिए गए हैं उनको आप ध्यान से देखो यार, ये इंडक्टेंस है, ये कैपेसिटेंस है और ये आपका रेजिस्टेंस है। तो देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इसमें यही आती है, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स को ये याद नहीं होती है डायरेक्टली, यू नो, इनकी डायमेंशन। जिनको होती है ऑब्वियसली वो जल्दी से इसको सॉल्व कर भी लेंगे, बट मोस्टली नहीं हो पाते क्योंकि इतनी चीजें हम याद नहीं रख सकते हैं। सो यू हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस 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 एंड दिस, देन आफ्टर यू हैव टू चेक आउट ईच, यू नो, जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं सबको आपको यार चेक करना पड़ेगा। तो इट विल अ लॉन्ग प्रोसेस, यू नो, टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये आपके लिए, तो फिर भी करना तो पड़ेगा। तो जो एक नॉर्मल स्टूडेंट होगा उसको कैसे अटेम्प्ट करेगा इस प्रॉब्लम को, पहले मैं वो सिखाता हूँ, देन आफ्टर अब हम फिर अपने ट्रिक्स वगैरह की बातें करेंगे। ओके, सो देखो यार, इंडक्टेंस चेक करना पड़ेगा। इंडक्टेंस को कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट फिर भी उनमें से मैं जो यूज कर रहा हूँ वो एनर्जी, अगर आपको फॉर्मूला याद है, हाफ एल आई स्क्वायर। तो ये तो खैर आपको बेसिक याद रखना ही पड़ेगा। तो एल आपको यहाँ देख सकता है, कॉन्स्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं है। सो एनर्जी होती है आपकी एम एल टू टी माइनस टू, और डिवाइड में आपका आ जाएगा ए का स्क्वायर। तो यार ये बन जाएगा आपका एम एल टू टी माइनस टू और ए माइनस टू। तो अगर देखा जाए, ये डायमेंशन आ गई आपकी सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशियंट की। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस आप निकालोगे क्यू इक्वल टू सी वी से, तो ये आ जाएगा आपका क्यू बाई, देखो यार मेरे को नहीं याद है, मैं मुझे मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, बट अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट होती है तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा। सो क्योंकि इतनी चीजें आप याद नहीं रख सकते। ओके, सो पुट अप द वैल्यूज, दैट इज ए टी। चार्ज तो आपको पता ही है, आई टी होता है, आई भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, बेसिक क्वांटिटी है, और टाइम भी। ओके, सो पोटेंशियल, यस अफकोर्स, पोटेंशियल होता है आपका चार्ज वर्क पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो एल भी आ गया, सी भी आ गया, बचा आपके पास आर। तो चलो आर भी चेक कर लेते हैं। तो आर का जो फॉर्मूला होता है वी बाई आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, और वी तो हमने अभी कैलकुलेट किया, चार्ज पर वर्क पर यूनिट चार्ज होता है। सो दिस इज एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है, क्योंकि ये होता है आपका वर्क पर यूनिट चार्ज। तो क्यू इंटू आई यू कैन राइट, सो दिस इज ए टी, एंड ऑल्सो आई की जो डायमेंशन होती है वो भी ए ही है। तो ये बनेगा एम एल टू टी, एक ऊपर जाएगा माइनस थ्री, और ए टू यानी माइनस टू, तो ये आर के डायमेंशन आ गए। तो यार इतना टाइम आपने देखो इसको पहले कैलकुलेट किया, देन आफ्टर अब इसको सॉल्व करेंगे, फिर चेक भी तो करना पड़ेगा। तो फ्रिक्वेंसी के डायमेंशन कैसे हम चेक करें, अगर फर्स्ट ऑप्शन को आप देखोगे तो वन बाई आर सी है, मतलब आर आप लेंगे, सी लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको वन बाई समथिंग करेंगे, तब ये चेक होगा कि ये सही है कि नहीं है। देन आर बाई एल लेंगे, सी बाई एल लेंगे, सबको चेक करना पड़ेगा यार। तो रियली दिस इज ए लॉन्ग प्रोसेस, तो इससे आगे सॉल्व करने का को कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि अगर हमने सी की ये सब डायमेंशन अलग अलग निकाल ली है, और जिस अगर किसी को याद भी है, लेट अस कंसिडर किसी को याद है, तो फिर भी उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा एंड ऑल, फिर भी काफी टाइम लेगा ये क्वेश्चन सॉल्व होने में। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है ना, ये आपने देखना है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को क्विकली कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो इसमें आपने याद रखना है, दैट इज फिजिक्स फंडा, फिजिक्स फंडा। तो यार उड़ा देंगे हम इस टाइप के सारे प्रॉब्लम्स। तो देखो, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसमें टर्म्स यूज हो जाए, एल सी एंड आर, इनमें से कोई भी टर्म अगर यूज होता है कभी भी इन फ्यूचर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, तो यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व बाय दिस मेथड। ओके, तो चलो देखते हैं, इसमें हमने याद रखना है, लल्लू राम, ठीक है, वह सल्लू राम की एल आई सी टाइम से हो गई। यार ये एक फंडा है जिससे आपकी बहुत हेल्प होगी और आप तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, जो लल्लू राम जो मैंने नाम लिखा है, लल्लू राम मीन्स आपने क्या याद रखना है इसके थ्रू, लल्लू राम का मतलब एल बाई आर,
मतलब ये हम पढ़ेंगे एल बाई आर, नॉट एल इन टू आर, दैट इज एल बाई आर, याद रखने के लिए मैंने इसको बनाया। एंड दिस इज सल्लू राम, सल्लू राम को आप पढ़ोगे सी इन टू आर। और ये जो एल आई सी लिखा है, एल आई सी का मतलब यहाँ पे है अंडर रूट में एल सी, जिससे याद रह जाए आपको, अंडर रूट में, रिमेम्बर अंडर रूट में एल सी, ठीक है। तो अंडर रूट में एल सी हो गया, टाइम से हो गई, इट मीन्स वॉट यार, यहाँ पे कहानी है, जो कहानी तो मैं नहीं बताने वाला आपको, बस इसी से आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। लल्लू राम और सल्लू राम दो भाई होते हैं, उन्होंने अपनी एल आई सी करानी होती है, लेकिन एल आई सी एजेंट के साथ उन्होंने एक यू नो शर्त लगाई होती है कि भाई मेरी एल आई सी टाइम से होगी तभी कराऊंगा। उसने बोला डन, टाइम से हो जाएगी। तो टाइम से हो जाएगी इट मीन्स वॉट, टाइम की जो डायमेंशन होती है दोस्तों वो टी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर कहीं पे एल बाई आर होगा, सेल्फ इंडक्टेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, तो उसकी डायमेंशन टी के इक्वल होगी हमेशा। अगर सी इंटू आर होगा तो हमेशा टी के इक्वल होगी। अगर अंडर रूट में एल इंटू सी होगा तो भी ये टी के इक्वल होगी। मतलब इन तीनों टर्म्स की डायमेंशन टी के इक्वल है। यानी केवल एंड केवल आपने ये लाइन याद रखनी है, लल्लू राम व सल्लू राम की एल आई सी टाइम से हो गई, वो मतलब लल्लू राम सल्लू राम एल आई सी का जो डायमेंशन है वो टाइम के इक्वल होने वाला है। अब इस फंडे के थ्रू देखो, चेक कर लो, टाइम के इक्वल होने वाला है। अगर आप इसका रिवर्स कर दो, इसका जब रिवर्स करोगे आप आर बाई एल, तो टी का रिवर्स करोगे वन बाई टी, और वन बाई टी तो फ्रिक्वेंसी होती है भाई, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, वन बाई टी होती है, मीन्स फ्रिक्वेंसी की डायमेंशन टी माइनस वन होगी। तो देखो यहाँ पे है सी आर, इसका उल्टा करो वन बाई सी आर, यानी मेरा देखो करेक्ट है। उसने बोला देन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ फ्रिक्वेंसी, मतलब इसमें से कौन सा फ्रिक्वेंसी के डायमेंशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये तो कर रहा है यार, ये तो कर रहा है, इट मीन्स ये हमारा आंसर तो नहीं होगा, बट हमने लगा दिया है कि ये कर रहा है। ओके फिर इसने लिखा है आर बाई एल, मीन्स आर बाई एल भी फ्रिक्वेंसी के इक्वल है ऑब्वियसली, तो ये भी करेगा, ये भी करेगा, लेकिन करेक्ट हमें ढूंढना है कि कौन नहीं करेगा। ओके और यहाँ पे लिखा है उसने अंडर रूट एल सी, और ये वन बाय, जब अंडर रूट एल सी है तो टी है, तो उसका रिवर्स किया, तो ये भी करेगा। इट मीन्स वॉट, सी बाई एल नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा टर्म नहीं है, सी बाई एल नहीं होना चाहिए, अंडर रूट में एल सी होना चाहिए, तो दिस इज नॉट, ये नहीं कर पाएगा। सो ये करेक्ट है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम दिस इज द करेक्ट वन। तो आपने देखा यार, बहुत जल्दी आप इसको कर पाएंगे अगर ये फंडा आप सीखोगे तो। इस तरीके के कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, एंड यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम बाई यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, ओके, दिस फंडा एज वेल, ओके। एंड आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो यार आपको मजा आने वाला है, देखो कितना टाइम आपका रिड्यूस हो जाएगा। ओके नाउ दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन को जेईई मेन 2019 में पूछा गया, एज वेल एज ये क्वेश्चन आईआईटी में भी पूछा जा चुका है, और आई थिंक ये मेडिकल एग्जाम में आप चेक करेंगे, ठीक है, एज इट इज दोस्तों। सबसे पहले आईआईटी के में ही आया था, फिर मेन्स में, आईआईटी मेन्स में आ गया, ठीक है, तो आप चेक करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो इसमें तो ये और भी टाइम टेकन प्रोसेस है यार, एक नॉर्मल स्टूडेंट करेगा तो 5 मिनट एटलीस्ट इसमें सॉल्व करके आएगा, ज्यादा भी हो सकता है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में तो डेफिनेटली गलत भी हो सकता है, यू नो। अब देखो हम फंडे से ही करेंगे इसको। उसने बोला एल आर सी एंड वी रिप्रेजेंट इंडक्टेंस रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस वोल्टेज रेस्पेक्टिवली द डायमेंशन ऑफ दिस टर्म दिस होल टर्म। ओके तो यार उसने पूछा है कि इस पूरे टर्म की डायमेंशन बताओ। देखो उसमें तो यार सारे के सारे टिपिकल टर्म्स हैं, एल है आर है सी है वी, जिनकी डायमेंशन हमें याद नहीं होती, निकालनी पड़ती है, एल की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी, आर की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी, ठीक है, सी की डायमेंशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एंड वी की भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। देन पहले कैलकुलेट करेंगे, देन उसमें पुट करेंगे, फिर एल को इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, तो यू जस्ट इमेजिन कितना टाइम वेस्ट होने वाला है। इसलिए तो ये आईआईटी में नहीं आया कि इतना टाइम वेस्ट कराएगा, बट वो बहुत स्मार्टली क्वेश्चन उसने डिजाइन किया है। लेकिन अगर आपको मेरा फंडा याद है तो ढूंढो किसी भी प्रॉब्लम में जो इन टर्म से रिलेट करेगी, दोनों भाई में से कोई एक भाई तो पक्का होगा। या तो ढूंढना है हमने लल्लू राम, लल्लू राम का मतलब एल बाई आर, हमें पता है इसकी डायमेंशन टी के इक्वल होगी, या ढूंढना है सल्लू राम, या दोनों, ठीक है, सल्लू राम, सल्लू राम इसकी भी डायमेंशन, सल्लू राम का मतलब सी आर, और इसकी भी डायमेंशन आपकी टी के इक्वल होगी, तो इनमें से हमने इसको ढूंढना होता है, ठीक है, और फिर बहुत जल्दी से क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं क्या इसमें कोई भाई है। ओके मैंने देखा यार एल बाई लिखा हुआ है आर सी वी, तो अगर मैं इसको देखूं तो सल्लू राम है, लेकिन यार अगर मैंने सल्लू राम को यहाँ पे
यूज किया तो एल अलग से निकालना पड़ेगा और वी अलग से, क्योंकि इनका कोई मुझे पता नहीं है टर्म इस तरीके का क्वेश्चन को कैसे, क्योंकि इसकी एल की फिर मुझे लिखनी पड़ जाएगी यहाँ डायमेंशन। तो मैं क्या करता हूँ, उसको एल और आर को अलग कर लेता हूँ और इंटू 1/CV अलग हो गया, और CV तो आपको पता ही है किसकी वैल्यू है यार, ये तो Q की वैल्यू है, क्योंकि Q इक्वल टू होता है CV, ठीक है, Q इक्वल टू होता है CV, ये तो डेफिनेशन है आपकी कैपेसिटेंस। ओके, तो ये डायमेंशन मुझे पता चल गई, और ये डायमेंशन क्या है देखो, एल बाई आर लल्लू राम यानी टी है यार, और डिवाइड में CV Q है यानी QV, जो चार्ज होता है, चार्ज की जो डायमेंशन होती है वो तो आपको पता ही है ए इंटू टी होती है, क्योंकि चार्ज का फॉर्मूला होता है आई इंटू टी, यानी ये इजिली यहाँ से निकाला जा सकता है। तो टी से टी कैंसिल हो गया यानी ए माइनस वन, तो डेफिनेटली इसकी जो डायमेंशन यार निकलने वाली है दैट इज ए माइनस वन, बहुत जल्दी यू कैन सॉल्व, करेक्ट है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल डायरेक्ट दिख रहा है आपको, अदरवाइज आप नॉर्मली अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट इसको करता, पहले एल निकालेगा, आर निकालेगा, सी वी, फिर बैंड बजेगी उसकी बढ़िया से, और वो इसको उससे अटेम्प्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट में गलत ही होएगा पक्का पक्का, ठीक है। तो यू जस्ट रिमेम्बर दिस कॉन्सेप्ट, यू नो, देखो लल्लू राम से काम चल गया यार, वैसे तो सल्लू राम भी था पर सल्लू राम थोड़ा फंसा रहा था मैं एल और वी में, लेकिन इससे जल्दी से एडजस्टमेंट हमारी हो गई है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे देखो टिपिकल क्वेश्चन माना जाएगा ये IIT का जो भी है, क्योंकि इसमें थोड़ी स्मार्टनेस दिखानी थी। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जो मैंने अभी लल्लू राम सल्लू राम आपको बताया है उस कैटेगरी क्वेश्चन, बाकी आप जाके सॉल्व करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ आपके लिए, LC² R, इसकी डायमेंशन आपने सॉल्व करके लानी है, ठीक है, ये आपने सॉल्व करना है, और इसका क्या आंसर आएगा, जहाँ पे L इंडक्टेंस है, C कैपेसिटेंस है, R रेजिस्टेंस है, तो वी हैव टू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ दिस होल, यू नो, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन निकालनी है, और मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना कि क्या आपका आंसर आया, ठीक है, तो मैं चेक करूंगा उसको, और डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये लिया है मैंने, इसको देखते हैं क्या है इसमें। तो इसमें दिया गया है कि द क्वांटिटी दिस, ये क्वांटिटी है आपके पास ये, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ऑब्वियसली परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एल इज द लेंथ एंड वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, टी इज द टाइम, द डायमेंशन ऑफ एक्स आर सेम एज दैट ऑफ, मतलब हमें बताना है इसमें जो क्वांटिटी है एक्स, इसके डायमेंशन इनमें से किसके इक्वल होगी, मतलब इसकी जो डायमेंशन आएगी इनमें से किसी एक के इक्वल होगी, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, चार्ज या करंट। तो यार देखो, अगर आप ध्यान से देखो उस क्वेश्चन को, इसमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है एक्स इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एल वी बाय टी, ओके। तो एक नॉर्मल स्टूडेंट की अगर बात की जाए यार, वो क्या करेगा, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन पुट करेगा, फिर एल की डायमेंशन पुट करेगा, फिर वी की डायमेंशन पुट करेगा, फिर टी की, एंड उसको बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट उसको याद ही नहीं होगी, वो निकालेगा कैसे, निकालेगा फोर्स वगैरह का यूज करेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R² तो यहाँ से इसकी डायमेंशन निकालेगा, अगर उसको याद है तो भी कोई टेंशन नहीं, यहाँ पुट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तब भी टाइम ही लगेगा, ठीक है। फिर V की डायमेंशन निकालेगा, V होता है आपका IR, ठीक है, यहाँ से R निकालेगा, फिर तब यहाँ पुट करेगा, तब जाके आंसर आएगा, लेकिन V तो वो इजिली निकाल पाएगा, V होता है वर्क पर यूनिट चार्ज, ठीक है, वो यहाँ से निकाल लेगा, तो काफी टाइम उसको लगेगा एक्स की डायमेंशन निकालने में, निकाल लेगा नो डाउट, बट टाइम टेकन प्रोसेस है, काफी टाइम उसको लग जाएगा। अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचे, क्योंकि ये अगर किसी कॉम्पिटिशन में आएगा या आया है तो ये ऐसे तो नहीं आएगा कि इतना टाइम में वेस्ट करूँ, क्योंकि एग्जाम वाले हमेशा चाहता है कि आपका टाइम वेस्ट हो, के तो वही तो कंपटीशन है यार, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो स्टूडेंट होते हैं आधे तो बाहर ही हो जाते हैं, तो जो थोड़े स्मार्टली काम करते हैं वो कैसे काम करते हैं चलो देखते हैं, वही आपने सीखना है, तो आपने एक स्मार्ट स्टूडेंट बनना है नीट और IIT के एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सो यू जस्ट रिमेम्बर कि अगर इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आती है जिसमें कुछ अननोन क्वांटिटीज पूछी जाए और कुछ अलग अलग टर्म्स गिवन हो, और उन उस अननोन क्वांटिटीज की जो डायमेंशन होगी वो किसी पर्टिकुलर डेफिनेट क्वांटिटी से मिलती हो, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, देखो एप्सिलॉन नॉट एल इसको अलग करेंगे, वी बाय टी इसको अलग करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ नाम गिवन है ना कि डायमेंशन, रिमेंबर रेजिस्टेंस, तो हम ऐसा कुछ करेंगे कि डायमेंशन ना निकालनी पड़े, जिससे हमें नाम डायरेक्ट मिल जाए। तो दोस्तों उसको करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, बट जल्दी से करने का तरीका क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट और एल है, यानी एल तो
यहाँ पे लेंथ है और लेंथ की डायमेंशन एल ही होगी, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट यानी या तो आप फोर्स का फॉर्मूला यूज करो और यहाँ से एप्सिलॉन नॉट एल निकालो तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अगर आपको याद हो कैपेसिटेंस होता था आपके पास एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, यानी पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर होती है उसका कैपेसिटेंस ये होता है। अगर मैं यहाँ से सी की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो एप्सिलॉन नॉट और एरिया की डायमेंशन होगी एल स्क्वायर और जो उनके बीच की डिस्टेंस होती है वो भी एल होगी ऑब्वियसली। ओके दिस इज ओनली एल, ओके तो एल एक कैंसिल हो जाएगा तो दिस इज एप्सिलॉन नॉट एल। तो आप देख सकते हो एप्सिलॉन नॉट की जगह पर लिख सकता हूँ सी। तो यार जब आपको तुरंत ये दिमाग में आएगा तो आप फटाक से करेंगे, देखो एक्स इजक्वल टू हो गया सी इंटू वी और बाय टी, ठीक है ये बन गया आपके पास। तो अब आप बहुत क्लियरली यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो एक्स है ये किसी न किसी के इसमें इक्वल आ जाएगी, मतलब आपने इसको चेक कर लेना है फिर से कि ये सी की वैल्यू हो गई, ये वी की वैल्यू हो गई और ये आपकी टी की वैल्यू हो चुकी है। तो अब हम क्या करें यार, ये तो सी आ गया और आपको दिख रहा है ये सी वी है, तो क्यू इक्वल टू क्या होता है सी वी, तो दिस इज क्यू बाय टी एंड दिस इज वॉट, दिस इज करंट। तो एक्स जो है बेसिकली यहाँ पे करंट थी, अननोन क्वांटिटी, तो करंट इज दिस। तो ये एक अच्छा अप्रोच है इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करने का, काफी क्वेश्चंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस टाइप के दोस्तों पूछे गए हैं। तो मैं आपको बस हिंट दे रहा हूँ कि इस तरीके का अप्रोच भी आपने अप्लाई करना है जिससे आपको डायमेंशन की फिर कोई टेंशन नहीं होगी कि यार याद है नहीं है या निकालने में टाइम लगेगा, तो कुछ ऐसा भी एडजस्टमेंट आपने करके देखना है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी टाइप का कुछ मिलता है हमें, ठीक है। एंड दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम गाइस, तो देखते हैं क्या है इसमें। द रेशियो ऑफ द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एंड दैट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्सिया, मतलब इज द डायमेंशन ऑफ, मतलब यहाँ पे भी देखो कमाल का, उस सेम टाइम टाइम का प्रॉब्लम आप मान सकते हो, सेम टाइप की प्रॉब्लम इसको मान सकते हो। उसने पूछा रेशियो प्लैंक कॉन्स्टेंट ओवर द मोमेंट ऑफ इनर्सिया, तो इसमें डायमेंशन नहीं पूछी है बट उसने बोला कि जो डायमेंशन है इस रेशियो की वो इनमें से किसी के इक्वल होगी, मतलब उसमें नेम दे रखे किसी फिजिकल क्वांटिटी का, कोई पर्टिकुलर नाम है। तो मैंने आपको क्या बताया, तो डायरेक्ट सी अप्रोच लगाने की आप कोशिश करो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। और आप देख सकते हो सीबीएसई पीएमटी और एम्स में पूछा गया है, सीबीएसई पीएमटी को आजकल आप नीट के नाम से जानते हो, ठीक है। ओके तो ओवरऑल ये एक टेस्ट बन चुका है आपके पास, ठीक है। तो एच आई, ठीक है, एच ओवर आई आपका निकालना है, तो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट ओवर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्सिया। लेट अस कंसीडर आपको एच का जो डायमेंशन है वो याद नहीं है, आई मोमेंट ऑफ इनर्सिया, चलो वो तो आप निकाल भी सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्सिया आपके पास होता है एम आर स्क्वायर। अच्छा एक नॉर्मल स्टूडेंट अगर इसको सॉल्व कर रहा है तो ऐसे करेगा, तो आई इजक्वल टू हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर। ऑब्वियसली ये थोड़ा ईजी भी है तो अगर डायरेक्ट भी करोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। प्लैंक कॉन्स्टेंट की अगर डायमेंशन याद है मैक्सिमम को, वैसे इसकी डायमेंशन याद ही रहती है, दिस इज और ओवर एम एल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया तो ये जल्दी से आंसर आ गया। टी माइनस वन मतलब फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, तो ये करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है नो प्रॉब्लम। तो एच बाई आई जब भी प्लैंक कॉन्स्टेंट का यूज होगा किसी अदर, ये तो चलो मोमेंट ऑफ इनर्सिया इजी था जल्दी से आपने इसको सॉल्व कर लिया दोस्तों, लेकिन अगर किसी और के साथ अगर एच का यूज हो जाए तो आप हमेशा याद रखें एच को क्वांटिटी के टर्म्स में निकाले, तो ई इक्वल टू आपने पढ़ा था एच न्यू, ठीक है। तो एच जो आएगा वो हमेशा ई ओवर न्यू आएगा, मीन्स ई एनर्जी है और न्यू इसकी फ्रिक्वेंसी टी माइनस वन है, मतलब इसको ई इंटू टी लिखा जा सकता है। तो एच को आप ई टी लिख सकते हो डायरेक्ट, ये आगे के लिए भी आपने याद रखना है, इसका बहुत ज्यादा यूज हम करने वाले हैं डायरेक्ट टिपिकल से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ओके। और हाँ अगर आपने इसको दूसरे तरीके से करना था, मेथड टू से करना था, तो मेथड टू में आप क्या करते, मेथड टू में आप देखते यार यहाँ पे एच है और ई है, और एच एच जो होता है प्लैंक कॉन्स्टेंट वो हम एनर्जी से निकाल सकते हैं, तो एनर्जी ये है। तो देखो अगर आप यहाँ से करते तो ये एच है आपके पास, या इसको रहने दो आप, ठीक है इसको आप रहने दो, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, चलो मैं कर ही देता हूँ। तो एच इक्वल टू क्या होगा, ई है हमारे पास एम एल टू टी माइनस टू इंटू टी, तो देखो ये एम एल स्क्वायर है तो ये तो क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता है, तो एच ओवर आई आ गया आपके पास और टी माइनस टू इंटू टी वन, तो दिस इज टी माइनस वन, तो ऑब्वियसली फ्रिक्वेंसी है। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, मतलब अगर आपको डायरेक्ट याद है तो फिर आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे तो ये भी ईजी है एक तरीके से अगर आप देखेंगे, बट हम इसको आगे यूज कर सकते हैं, मतलब देखते हैं किस टाइप से इसका यूज हो सकता है। ओके नाउ दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम गाइस, ठीक है। तो इसमें दिया है डायमेंशन ऑफ ओम आर सेम एज दिस, ओके सेम एज, ओके तो डायमेंशन ऑफ ओम आर सेम एज,
तो ओम मीन्स रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन कैलकुलेट करनी है। बट यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको देख सकते हो आप, वो किसी क्वांटिटीज के रेशियो दे रखे हैं आपको। तो यार सबसे पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा आर की डायमेंशन, दैट इज वी बाई आई, ओम्स लॉ से निकालनी पड़ेगी। और वी को आप लिख सकते हो चार्ज वर्क डन पर यूनिट चार्ज इंटू करंट, और इसी को आप लिख सकते हो वर्क पर चार्ज, और आई होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो रेजिस्टेंस लिखा जा सकता है वर्क इंटू टी बाय क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ से इसके डायमेंशन निकाल लेंगे आप। वैसे तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल लो, बट आगे मैं आपको समझाने वाला हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये एम एल टू टी माइनस टू टी ओवर दिस इज ए टी का स्क्वायर। तो यहाँ से आपकी डायमेंशन आ जाएगी, ठीक है। तो एक नॉर्मल स्टूडेंट ऐसे करेगा, पहले इसके डायमेंशन निकाल लेगा, फिर इसके ऑप्शन की डायमेंशन देखेगा, एच की वैल्यू पुट करेगा, ई की वैल्यू पुट करेगा, आर और उस रेशियो की जो डायमेंशन उसमें से चार ऑप्शंस में से आएगी, तब टिक करेगा। सो दिस इज वेरी वेरी लेंथी प्रोसेस, यू नो, वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो ये तो मैं नहीं बोलूंगा कि यार इस मेथड के थ्रू आप जाओगे और ये अप्रोच आप अप्लाई करोगे। सो नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, मैंने आपको बताया था अभी अभी इस क्वेश्चन में, जब भी कभी एच का यूज और इस तरीके के ऑप्शन क्यों जिसमें क्वांटिटीज हैं, तो आप थोड़ा सा उसमें स्मार्टली काम करेंगे। तो एच के बारे में मैंने आपको बताया था, एच को आप लिख सकते हो एनर्जी इंटू यू नो टाइम, और एनर्जी तो वर्क होता है, वर्क की डायमेंशन एनर्जी की डायमेंशन सेम है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टाइम, टाइम की डायमेंशन टी हो जाएगी। तो एच जो होगा इक्वल वो वर्क इंटू टाइम हम लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे इसको चेक करो, तो आर इज इक्वल टू वर्क इंटू टाइम, उसको लिखा जा सकता है एच ओवर नीचे क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर दे रखा है आपको चार्ज, चार्ज को लिखा है ई, तो ये आ गया ई स्क्वायर, बस खत्म। तो दिस इज फिनिश नाउ, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आपने देखा है डायरेक्टली आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, बढ़िया कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, क्योंकि यू कैन से थोड़ा सा स्मार्टली काम करोगे तभी सॉल्व हो पाएगा, वरना तो बहुत टाइम आपसे लेने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट गाइज, कि क्वेश्चन कैसे किए गए और जल्दी से जल्दी आप किसी भी क्वेश्चन को कैसे हैंडल कर सकते हो। तो इस सीरीज में मैं जो आपसे कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, इस पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं, हर तरीके की प्रॉब्लम मैं डिस्कस करूंगा जिसमें इस चैप्टर से आने वाले सारे कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। और आपने उसी तरीके की मेंटेलिटी के साथ इस चीज को प्रिपेयर भी करना है कि इतने कॉन्सेप्ट से मैं इतने टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। बाकी आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास होंगे दोस्तों, ठीक है। ओके नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते रहे हैं मेडिकल में और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। उसने बोला एस इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस बी एक्स टी, वेयर एस इज स्पीड, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, ओके, देन द यूनिट ऑफ बी। तो इसमें बी कोई क्वांटिटी है ये वाला, उसकी यूनिट आपसे पूछी है। तो देखो यार इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया है, मीन्स जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है यहाँ पे, दैट इज ए वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस बी एक्स टी। बाकी किसी चीज के बारे में नहीं बताया गया है, तो जो बताया गया है वो आपको एस के बारे में बताया गया है, स्पीड है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, ओब्वियसली टी टाइम होगा, ठीक है, ओके। और बी की डायमेंशन हमसे पूछी, यूनिट पूछी है एक्चुअली, तो डायमेंशन भी पूछ सकता था वो आपसे, बी से बी की डायमेंशन भी पूछी जा सकती थी, इसमें यूनिट पूछी गई है। तो जब भी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन काफी आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो आप ध्यान रखेंगे। तो उसका फंडा क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करें, तो ये ही इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आएंगे उनमें ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है, कि ऑल कॉन्स्टेंट नंबर्स, ठीक है, वन टू, वन बाय टू, थ्री बाय टू, वट एवर जितने भी नंबर होंगे, पाई ले सकते हैं, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नो मैट्रिक फंक्शन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप ले लो, साइन थीटा कॉस थीटा वट एवर जो भी होंगे, ठीक है, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस मतलब जो ई रेज टू पावर में होंगे, ई रेज टू पावर में होंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम ले लें, जैसे मैंने ई ए समथिंग ऐसे लिख लिया ई की पावर में, एंड लोगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, जो लॉग फंक्शन के टर्म्स में होंगे। ऑल हैव, या ऐसे लिख लो, ऑल आर डायमेंशनल लेस,
डायमेंशनलेस, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। और दोस्तों इनकी कोई अगर डायमेंशन नहीं होती है, इट मींस व्हाट, वी कैन रिप्लेस देम बाय वन, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं एंगल की डायमेंशन निकालते हैं, और एंगल होता है आर्क ओवर रेडियस। सो आर्क भी लेंथ है और रेडियस भी एक तरह लेंथ ही है, तो ये कैंसिल होके वन आ गया। वन मीन्स व्हाट, लीस्ट नंबर आपके पास, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है क्योंकि ये वन है, तो कॉन्स्टेंट माना जाएगा, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। तो मतलब जिस क्वांटिटी की कोई डायमेंशन नहीं होने वाली, उसको रिप्लेस कर सकते हैं हम वन से। अब देखो हमें बी की यूनिट चाहिए, तो बी इस पूरे एक्सप्रेशन में कहाँ पे है, केवल उस चीज को ढूंढो। तो बी केवल ई की पावर में है, आप देख सकते हो ई की पावर में अगर बी है, तो मैंने बोला ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। यहाँ पे मैंने लिखा है क्लियरली, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कोई डायमेंशन नहीं होगी। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दैट कि इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होनी चाहिए जो इसकी पावर है। तो इस पूरी पावर को आप क्या लिख सकते हो, बी एक्स टी यू कैन रिप्लेस बाय वन, क्योंकि ये भी डायमेंशनल लेस होगा। अगर ये पूरा फंक्शन डायमेंशनल लेस है, तो बी कैन बी रिटन एज वन बाई एक्स टी। तो एक्स की डायमेंशन एल होती है, क्योंकि तो डिस्प्लेसमेंट है, और टी तो है ही आपके पास, तो दिस इज एल माइनस वन, टी माइनस वन, यानी ये आ गई इसकी डायमेंशन। अगर हमसे डायमेंशन पूछेगा तो ये आ गई है। तो एल जो बी है, उसकी जो डायमेंशन आई है वो एल माइनस वन, टी माइनस वन, और एल मतलब मीटर, मीटर इनवर्स, और टी मतलब सेकंड, सेकंड इनवर्स, दिस इज करेक्ट। तो दोस्तों ये अप्रोच आपने लगाना है, ये है बस आपने याद रखना है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। इस टाइप के सारे क्वेश्चन 10, 20, 30, 40 जितने भी क्वेश्चन आपको कहीं पे मिलेंगे, इसी से ये सारे के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपको कोई टेंशन नहीं, किसी भी टाइप का कितने भी टफ लेवल का प्रॉब्लम आएगी, यू कैन सॉल्व नाउ। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, और आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू एटम्स इज गिवन बाय, मतलब फोर्स का एक एक्सप्रेशन दे रखा है, और वेयर एक्स इज द डिस्टेंस, के इज द बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, टी इज द टेम्परेचर, एंड अल्फा बीटा आर टू कॉन्स्टेंट, द डायमेंशन ऑफ बीटा, बीटा की डायमेंशन पूछी है। मतलब अगर आप देखो फोर्स का एक एक्सप्रेशन दे रखा है, अल्फा बीटा ई एक्स पी, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, मतलब इसको आप लिख सकते हो तो ई रेज टू पावर में माइनस एक्स स्क्वायर बाय अल्फा के टी, आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, देखो सेम टाइप की प्रॉब्लम है, तो ये एक्सपोनेंशियल है पूरा टर्म। तो ये फंक्शन जो दिया है आपको, फोर्स का जो फॉर्मूला है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही माना जाएगा, ठीक है। तो हमसे बीटा पूछा है, देखो दोस्तों बीटा इसकी पावर में तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे है, बट हम कॉन्सेप्ट हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल जो पूरा टर्म होगा उसकी डायमेंशन तो होगी नहीं, वो तो डायमेंशन लेस होगा। इट मीन्स वी कैन रिप्लेस दिस होल टर्म इज वन। तो एफ इज कैन बी रिटन एज अल्फा इंटू बीटा ओनली, तो ये वन हो गया पूरा पूरा, तो बीटा यहाँ से निकल जाएगा, बीटा कैन बी रिटन एज एफ बाय अल्फा, यू कैन सी नाउ। अब देखो फोर्स की डायमेंशन तो हमें पता है, एम एल टी माइनस टू होती है, क्योंकि तो बेसिक आपको याद रखना है। अल्फा हमें नहीं पता, तो हमें अल्फा की डायमेंशन निकालनी है, और बीटा आपका आ जाएगा, ठीक है। अब कैसे करें, अब देखते हैं हमें अल्फा कहाँ पे मिलेगा। अल्फा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन दोनों मल्टीप्लाई में है, तो बीटा तो निकालना है, दोनों ही अननोन है। तो अब ई के पास चलते हैं, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर में, देखो पावर में एक्स स्क्वायर बाई अल्फा के टी है, तो अल्फा यहाँ से आ जाएगा। अभी अभी मैंने आपको बताया दोस्तों कि इसकी जो पावर, चूंकि ये पूरा फंक्शन डायमेंशनल है, तो इसकी जो पावर होगी, ये पावर भी डायमेंशनल लेस होगी। इसकी पूरी पावर हम यहाँ से ले लेंगे अल्फा के टी, और इसको रिप्लेस करेंगे वन से, तो अल्फा इज इक्वल टू आएगा एक्स स्क्वायर बाय के टी, ठीक है। एक्स यानी लेंथ है, यानी एल स्क्वायर हो जाएगा, और के बोल्ट्समैन कॉन्स्टेंट है, टी टाइम है, और के की डायमेंशन हमें देखनी पड़ेगी। भाई बोल्ट्समैन कॉन्स्टेंट आप कहाँ से निकालोगे, भाई आपको पता है एनर्जी और बोल्ट्समैन कॉन्स्टेंट में रिलेशन होता था, हाफ के इंटू टी, ये आपको याद रखना चाहिए, गैस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, के निकाल सकते हैं हम यहाँ, तो ई बाय टी, ये इंपॉर्टेंट है, काफी टाइम ये पूछा भी जाता है, तो आपने ये याद भी रखना है। एम एल टू टी माइनस टू एनर्जी की डायमेंशन, और टी इज नॉट टेम्परेचर ये, सॉरी इज नॉट टाइम ये, दैट इज द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को यहाँ पे हम के चूंकि यूज हो रहा है, तो थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, थीटा हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा देखो आपके पास एम एल टू टी माइनस टू ओवर थीटा माइनस वन, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से अल्फा आएगा, अल्फा इज इक्वल टू आएगा एल स्क्वायर ओवर के की डायमेंशन आई एम एल टू टी माइनस टू थीटा माइनस वन, और ये भी क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर है ये भी, ठीक है। देखो टी टेम्परेचर है, इसने बोला टी टेम्परेचर है,
क्वेश्चन में इसने बोला होगा टी इज द टेम्परेचर, तो यहाँ पे इसका थीटा आ जाएगा, तो थीटा से थीटा कैंसिल, एर स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ गया एम माइनस वन ऊपर जाके एंड टी पॉजिटिव हो जाएगा टू। तो दोस्तों ये अल्फा का डायमेंशन आ चुका है यहाँ पे, यू कैन सी नाउ। अब ये अल्फा की डायमेंशन आप यहाँ पे पुट करोगे तो बीटा आएगा, बीटा आ जाएगा एम एल टी माइनस टू ओवर दिस इज एम माइनस वन और टी टू, ठीक है। तो एम माइनस वन टी टू यानी हो जाएगा एम टू और एल टी माइनस फोर, दिस इज द डायमेंशन ऑफ बीटा। तो यू कैन चेक आउट द ऑप्शन, तो ये आपका करेक्ट आंसर। तो आपने देखा उसी कॉन्सेप्ट से आपने इसको सॉल्व किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉन्सेप्ट काफी पूछा जाता है, तो जेईई मेंस में पूछा भी जा चुका है दोस्तों, और काफी क्वेश्चन इस टाइप के ऑलरेडी एग्जाम में आते हैं, नीट में भी आते हैं और यू नो इंजीनियरिंग एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नाउ दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो इसमें देखते हैं यहाँ पे रिलेशन दे रखा है यहाँ पे पी दिस दिस, तो पी यहाँ पे प्रेशर है, जेड यहाँ पे डिस्टेंस है और के यहाँ पे बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट है, थीटा इज द टेम्परेचर, ये आपको पता होना चाहिए तभी आप डायमेंशन पुट कर सकते हो। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा, बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला आपने बताना है यार। तो आपने देखा यार कि यहाँ पे जो प्रेशर है इसका रिलेशन दे रखा है, और प्रेशर आपको गिवन है अल्फा ओवर बीटा ई रेज टू पावर माइनस अल्फा जेड ओवर के थीटा, ओके। एंड नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ बीटा, बीटा की डायमेंशन आपने निकालना है, तो सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन नाउ। और मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे और इसका आंसर आप जब कैलकुलेट करेंगे तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपने लिखना, मैं चेक करूंगा दोस्तों। आपने खुद ट्राई करना है, जैसे कॉन्सेप्ट मैंने अभी अप्लाई किया बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।